सफाई हो रही है भाई मस्त तरीके से। सही है भाई। देखो भाई ब्लॉगर ऐसे होते हैं भाई, सारे मेहनत खुद ही कर लेते हैं भाई। चलता है भाई यहाँ पे आधा पाव का कोई हिसाब नहीं है, सीधा 1 किलो भाई, 1 किलो से कम नहीं। 1 किलो भाई, 3 आदमी 5 अंडे 9 9 छापे हो गया यार। जय श्री राम, जय श्री राम। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी जो है फिलहाल ठीक हूँ, अभी उठ के आ चुका हूँ, नहा लिया मैंने, थोड़े से बाल भी धो लिया काफ़ी दिन हो गए थे, दो तीन दिन हो गए थे नहीं धोए हो। फिलहाल टाइम भी हो चुका है गाइस 7:31, थोड़ी देर हुए आए हुए, थोड़े बाल सुखा रहा था, कान छुले ठुले भी खेल रहे काफ़ी दिन, कल तो आए थे थोड़ी देर, ज़्यादा देर नहीं खेल पाए, तो आज भी आए हैं मस्त एकदम घूम रहे। कहाँ से आप लोग देख रहे हैं व्लॉग आप लोग बता सकते हैं आपके अपने प्लेस का जो है वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का मौसम बता सकते हैं कमेंट करके, अच्छा लगेगा। ठुले बुलाते आ जा बेटा, आ जा चल भाई को थोड़ी देर खेलने दिया, चल जा जा जा। कंचले क्या कर रहा है? ठुले ठुले क्या कर रहा है? सो गाइस कपड़े धो के सुखा दिया है, देख सकते हैं टंगे हैं कपड़े, इधर मेरा मफलर सूख रहा है और इधर जो है ये मैं सर पे बांधता हूँ ना ये सूख रहा है। सो गाइस एक चीज़ बताना तो भूल ही गया, ये रहा ना ये जो है सैटरडे को मैंने लगाया था लेकिन व्लॉग नहीं बना पाया, ये देख सकते हैं ट्रक ट्रांसफ़र कर लिया है, बहुत सारे पौधे हैं, हल्के से पौधे में पानी डाल दिया था ना तो ये सारा गीला गीला हो गया। आजा आजा जल्दी आजा, आजा कंचुले कंचुले जल्दी आजा जल्दी आजा, आजा बेटा आजा जल्दी आजा आजा, आ गया मेरा बेटा तो। सो गाइस देखो दोनों बदमाश आ चुके हैं, अब लेके चलता हूँ उनको, ठंडा ठंडा हवा भी चल रहा है आज यार, देख सकते हो हवा। सो गाइस देख सकते हैं नाश्ता आ चुका है, दूध और मेरे बादाम आ चुके, फटाफट नाश्ता करता हूँ फिर गोली हो जाएगी। जय भोलेनाथ, निकलते भाई। और भैया नारियल कैसे दे रहे हो? हाँ 40-60 रुपये। अच्छा आज का मौसम के बारे में थोड़ा सा बता दूँ आप लोगों को, क्या मस्त मौसम है भाई, धुंध है लेकिन कल के बराबर ज़्यादा नहीं है, अच्छा है। आज ठिठोरन जो है ना थोड़ा कम है क्योंकि हवा नहीं चल रही है, ये एक बेस्ट पार्ट है आज के लिए। मज़ा वैसे खूब आ रहा है, ठंडी का मज़ा। आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, मैंने सुबह भी बोला था आप लोगों को ब्लॉग में कि कहाँ से देख रहे हैं ब्लॉग को, वहाँ का मौसम क्या है प्लीज़ बताया करिए, अच्छा लगता है। रास्ता मस्त खाली है। In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks. रास्ता बहुत खराब है यहाँ पे, इसलिए सारे लोग इधर से आते हैं तो जाम लग जाता है, जाम क्या स्लो हो जाता है ट्रैफिक। ये काम अच्छा कर लिया, रोज रोज रॉन्ग साइड से आ रहे थे ना, ये लो पकड़ लिया आज। इधर हवा थोड़ा सा चल रहा है, ओ स्मोक गन, सफाई हो रही है भाई मस्त तरीके से। सही है भाई, इतने सारे ट्रक इधर भी खड़े हैं इधर भी खड़े हैं, माजरा क्या है भाई? ओहो देखो किसने मिट्टी गिरा दी, इसमें फिसलने के चांसेस रहते हैं भाई, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ना बस गया, पूरा इंतजाम कर रखा है भाई। यहाँ पे हल्की सी हर रोज ही रहती है यार जाम, लग गया कार्ड, कार्ड की मैया अपरंपार, बंद हो गया, दिक्कत है भाई, क्या हो गया भाई साहब, कहाँ क्या हो गया, खराब हो गया भाई, गेट से निकल अंदर आते खराब हो गया, अगर बंद चला गया तो चल गया तो ठीक है, चलेंगे वहाँ तक ऑफिस तक। जय श्री राम, जय भोलेनाथ, हो जा भाई, चुप खींच के अभी तो हो गया था, स्टार्ट नहीं हो रहा भाई, स्टार्ट नहीं हो रहा है, हाँ थक गया मैं अब। चलो भैया गाड़ी बंद हो गई, अभी थोड़ी देर में आके इसको चेक कराने ले जाएंगे, देखते हैं क्या खराबी है क्या नहीं, किसी का अगर लिफ्ट मिल जाए तो ले जाऊंगा, नहीं तो पैदल पैदल जाऊंगा, पैदल भी काफ़ी दूर है भाई, चलो चलते हैं। सो गाइस ऑफिस तक पहुंच गया हूँ किसी तरह से, आते ही रास्ते में खराब हो गया, गेट से एंट्री करते ही खराब हो गया गाड़ी। हेलो गाइस, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय सीनियर सर, जय जय। ओ जूनियर जी आ गए, इन्होंने मुझे लिफ्ट दिया भाई, गेट से पहुंच गए। अच्छा मंजीत तो मेरा हमेशा हेल्प ही करता है बंदा,
चलते हैं गाइस ऊपर, अभी थोड़ी देर में इसको चेक कराने ले जाएंगे। या ये देखो मेरे आने से पहले आ गया, मेरे आने से पहले आ गया फ्रेंडा। ये देखो फ्रेंडा टोपा पहन के आ गया। आज मैं लेट इसलिए हूँ गाइस, आप लोगों को पता है कि मेरी गाड़ी जो है खराब हो गई थी, गेट पे आते हो गई, क्या करें अभी जो ठीक कराने जाऊंगा। सो गाइस आज जो है ना बहुत ज्यादा बिजी हो गया, आंखें भी दर्द होने लग गए भाई, बहुत ज्यादा बिजी हो गया। लंच कर लिया? हाँ चलो लंच कर लिया, तो मैं करके आता हूँ। सो गाइस लंच टाइम हो चुका है, बंदा खा रहा है, ये अपना नहीं दिखा रहा, खा रहे हैं। हम भी खोल चुके हैं भाई, आधा तो खा चुके हैं, आधा के बाद याद आ गया आज की मैं खाना भी खा रहा हूँ। भैया गाड़ी ठीक करने के लिए तीन तीन लोग जा रहे हैं, देखो ये भूपेश, मंजीत और मैं जाके पहले, सबसे पहले मेरी गाड़ी खत्म हो चुकी है। भूपेश के भूपेश ने जिस तरह से बोला मैं वो बता रहा हूँ कि मेरी गाड़ी खत्म हो चुकी है, मैं नई गाड़ी लेने की सोच रहा हूँ। सब फाइनेंस जो है भूपेश और मंजीत करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ऊपर है क्या? ऊपर है, चलो कैस्ट्रोल पे भी उधर का आते हैं ना, आ जाओ ना भूपेश भूपेश। अरे भाई ऊपर सीढ़ियों से चढ़ना पड़ रहा है भाई, ये दिक्कत है, क्या क्या करना पड़ता है, बहुत गंदे हो गए सारे के सारे। कहाँ है भैया, दिखा दो मेरे भाई, ये रहा कैस्ट्रोल नहीं है, कितने का है, कितने का भैया? भैया बताइए, भैया बताइए। चलो बुले अंडे खा लो, मुझे क्या करना, अंडे बुले भैया फ्रेंच फ्राई दिए भाई, किसी को लेना फ्रेंच फ्राई? ये देखो कितना मस्त उबल रहा है, ये ज्यादा मत कर देना, पता चला मेरी उंगली गई। अरे नहीं, कैसे प्लेट भी कितना चाहिए आपको? चार पांच लेना, चार और पांच कितने हो गए? दो दो खाना है तो दो दो खा लो, एक ही खाना है तो एक ही खा लो, चार और पांच क्या होता है? ये देखो डबल जर्दी वाला है, कितना मोटा अंडा कहा है, ये देखो अंडे अंडे में कितना फर्क है, इधर देखो ना, हां हां ये डबल जर्दी निकलेगी इसके अंदर, दो गोली निकलेगी। अच्छा तो क्या फायदा? हां सही कह रहे हो, गोली निकलती है इसमें, पता है जो बंदा खाते नहीं उसको ज्यादा पता है, देख रहे हो? आओगे ना अंडे दोगे? मैं तो एक ही लूंगा, डबल जर्दी वाले हैं छोटे वाले, देखो भाई अंडे गरम है, ठंडा है ये तो, ठंडा है कितना है तो, गरम है, गरम है भाई, हां गरम गरम है भाई, गरम गरम है। नौकर हो क्या आप? वो कुछ और पूछ रहे हैं तो मैं, भैया किसी को कुछ खाना हो, मैं हलवा बन गया हूँ, आ जाओ भैया, बताओ भाई कितना लेना है तुम लोगों को? आधा पाव, सीधा एक किलो का हिसाब चलता है भाई यहाँ पे, आधा पाव का कोई हिसाब नहीं है, सीधा एक किलो भाई, एक किलो से कम नहीं, जाओ भाई एक किलो से कम तो हम देंगे नहीं तुम्हें भाई, नहीं एक किलो से कम हम पैक ही नहीं करते भाई। ये देखो बढ़िया से बना रहा हूँ मैं, गिरने वाला था अभी, ये देख लो भाई, चाहिए एक किलो तो बताओ, फिर पैक करवाता हूँ। एक एक पाव आए बड़े, एक एक पाव खाने वाले नहीं मिलेगा तुम लोग, अंडे खाओ और दफा हो जाओ। भैया अंडे फटाफट छिल रहे हैं भाई, कुछ नहीं चाहिए भाई, चखना थोड़ी बनाना है हमने, हमने तो ऐसे खानी है। लो भाई, लो भाई भूपेश, लो भाई, ले लो भूपेश, ले लो ले लो, जल्दी वाले नहीं, मेरा जल्दी नहीं भैया, खत्म भी हो गए यहाँ तो। मैं हेल्प कर देता, निकल चुके भाई, निकल चुके हम लोग, अंडा खा चुके हैं, ये इधर अलग है क्या? अलग है, ये अलग है, ये अलग है, अलग अलग है, अच्छा अलग अलग, मैंने कुछ नहीं भाई कुछ नहीं, चलो भाई चलते हैं। यहाँ पे ना नेटवर्क का नेटवर्क नहीं आ रहा था एयरटेल का, इसलिए मंजीत पे कर रहा है, अभी मैं बाद में मंजीत को दे दूंगा। गलत जगह आ गया, हाँ गलत जगह खा लिया, कोई बात नहीं, खा लिया तो क्या हो गया,
तो खा लिया, तो खा लिया। पहले रेट थोड़े पूछे थे हम लोग, मतलब ठंडे गर्म गर्म। चलो अभी ऐसे निकलते हैं, इंजन ऑयल डालते हैं, गाड़ी स्टार्ट हो गई तो ठीक है, नहीं हो गई तो फिर धक्का मार के लेके आना पड़ेगा, डबल काम हो जाएगा। ये दिक्कत है भाई, इनकी वजह से हुआ ये सब। भैया चिकन शॉप भी है, मटन शॉप भी है भाई, यहाँ पे देख लो चिकन और मटन दोनों है यहाँ पे। अच्छा है, अच्छा है, मदर डेयरी भी है भाई। चलो चलते हैं, वो और पतला है वो, इससे भी नहीं होगा भाई। पूरा बोतल, हम लोग बोतल बिनने का काम शुरू कर दिए भाई, बोतल बिनने का काम शुरू। इसमें फ़ायदा होगा क्या? चलो इंजन ऑयल लेके जा रहे हैं, देखो तो इसको लगाएंगे डालेंगे कैसे, इसलिए ये जुगाड़ है। फिट बैठेगा नहीं बैठेगा कुछ नहीं पता, क्योंकि इंजन जो इंजन का जो होता है ना वो बड़ा छोटा होता है, ये बड़ा है, पता नहीं लगेगा नहीं लगेगा कुछ नहीं पता। इसमें मुझे लग रहा है कि नहीं लग रहा कि ये होगा कामयाब होगा, चलो देखते हैं, अगर हो जाएगा तो ठीक है, अच्छी बात है, जुगाड़ सही हो जाएगा। बता दो भाई खाना है तो, छोले छोले चावल खाना है, कुछ खाना है, कितने अंडे खाओगे? ये देखो यहाँ पे भी सोया हुआ है, इधर ये भी सोया हुआ है देखो। सो गाइस पहुंच गए मंदिर, क्या रह गया, इसको रख देते हैं सेफली यहाँ पे, सीधा करना पड़ेगा, पकड़ना है 2 मिनट। चाबी कहाँ है? चाबी उसके अंदर भाई, प्लास निकालो, लो प्लास निकालो भाई। काटेगा कैसा बोतल? वही तो दिक्कत है, तो जाएगी नहीं ना। पेपर को, पेपर जो होता है रोल की तरह, कहाँ से लाए पेपर भाई? इसका ले, अरे यहाँ पे थी। वो ऊपर देखो, वो ऊपर चर्चा होगा, जब तो खर्चा होगा। जुगाड़ बनाया जा रहा है, हम लोग बहुत बड़े जुगाड़ू हैं हम। गुजर दो साले, आज गाड़ी बंद हो गई भाई, सवेरे सवेरे जाएगा जाएगा वो अंदर, गए नहीं अभी, अंदर गए नहीं, गए ना, कब गए? नहीं गए, अरे गया सर गया ना। खोलो खोलो खोलो, मुझे दो स्कूल के डाल देंगे, इसे कहते हैं मल्टीपल जुगाड़। उसको मत फेंको ना, अभी डालना पड़ेगा उसमें, पूरा नहीं जाएगा इसमें। छिटकना साले, किधर डालना? हेल्प करने के लिए ये भी आ गया, देख रहे हो, देखो ये भी आ गया हेल्प करने। कलुआ पकड़ दे, हेल्प करने आ जा, गिर जाएगा, पकड़ लो। अंजीत भी ना बच्चा से कम नहीं है। रुको रुको रुको, मैं खुद डालो, अपने हिसाब से डालो, साले गिर जाएगी, ज्यादा डाल दो। मैं डाल लूं, देखो फिसला नहीं ना, फिसल जाएगा सारा। अब ऐसे चलो, ढक्कन ढक्कन लगा देना, वो इसमें लगा दे, चार्ज स्टार के देखो ना, इसकी जरूरत नहीं पड़ी, टपक जाए थोड़ा सा, जो टपक रहा था उसमें। दोनों इंजीनियर क्या कर रहे हैं? किक मारो किक मारो किक, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, इंजन ऑयल डाल दे। ओहो हेलीकॉप्टर जा रहा है भाई, पता नहीं क्यों। मंजीत बैटरी खत्म हो जाएगी, तो चार बार किक मारना। ये देखो नए इंजीनियर साहब आ गए हैं, अपनी तरफ ये नए इंजीनियर साहब देखो, शाबाश, वन मोर, वाह वाह सक्सेस हो गई, सही बंद हो गई। गाइस स्टार्ट नहीं हो रहा है, देखते हैं क्या होता है यार, परेशान कर दिया। सो गाइस देख सकते हैं धक्का मारते हुए भूपेश और मैं धक्का मारते हुए जा रहे हैं, मंजीत तो चला गया। देखो भाई ब्लॉगर ऐसे होते हैं भाई, सारे मेहनत, सारे मेहनत खुद ही कर लेते हैं भाई, सब मेहनत करना पड़ता है भाई, क्या करें। भूपेश नहीं होता तो मेरी हालत और ख़राब हो जाती भाई। थैंक यू यार भूपेश, मदद किया आपने भैया। धक्का मार मार के ना मैकेनिक के यहाँ पहुँच गया भाई, देख रहे हैं, देख लो
स्पार्क प्लग लगा के चेक कर रहा है भाई। परेशान हो गए, ये देखो इतना बड़ा बुल भाई साहब, अगर मार देगा ना जिना आराम हो जाएगा भाई। बहुत बड़ा वाला था केड़ा वाला जबरदस्त। चाबी होने स्टार्ट तो हो रही है, स्टार्ट तो हो रही है, जैसे रेस दे रहे हैं ना बंद हो जाती है। सर्विस वगैरह कराई थी क्या? अभी नहीं कराई सर्विस। कार की बात करते हैं, इसके एयर फिल्टर भी खोली है। हाँ, एयर फिल्टर वगैरह क्लीन कितना टाइम से नहीं कराया? दो दो तीन महीने हो गए। तीन महीने झाड़ देते हैं एवरेज सही नहीं दे रही यार, क्या एवरेज कम दे रही है। धुआं क्यों फेंक रहा भाई, धुआं क्यों फेंक रहा भाई साहब? धुआं धुआं कर दिया भैया ने। भैया क्या कर दिया आपने? ये कलाकार लोग ऐसे होते हैं भाई। सही हो गया, धुआं नहीं फेंक रही है। कितना ज्यादा नहीं फेंक रही है, कराना पड़ेगा काम तो है ना। नहीं चलो आप इंजन करा लेंगे इसका, जो भी करना है मैकेनिक के पास जाऊंगा तो करा लूंगा। सो गाइस ये देख सकते हैं जीतू भाई का दुकान है, इन्होंने कार्ड भी दिया। सही है भाई, अच्छा काम करते हैं यार। थैंक यू भैया यार, अच्छा काम कर दिया आपने यार, थैंक यू भाई। ये इनका कार्ड है भाई, अगर किसी को ज़रूरत पड़े तो 125-26 में तो ये आके देख यहाँ पे आके ठीक करा सकते हैं भाई। सो गाइस थक गया हूँ यार सुबह से, लेकिन ना भूपेश और मैं खलस्ता है ना, धक्का मारते हुए ले गए, ले जाके ठीक किया, आ गए, सुस्ती छा गई है, काम बहुत सारा पड़ा हुआ है इस पेंडिंग में, इसको निपटाना जरूरी है क्योंकि आज फ्राइडे है, कल सैटरडे है, परसों संडे है, फिर मंडे को भी हो सकता है छुट्टी हो या कुछ भी हो, कुछ नहीं पता, लेकिन काम बहुत ज़्यादा है इस, हालत खराब। आप सभी लोगों पर राम जी की कृपा बरसती रहे जय, और स्वस्थ रहने के लिए देखती है देखिए सेहत इंडिया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लाओ से इंडिया की तरफ से तिवारी सर मेरे को झंडा दे रहे हैं। नहीं दे रहे वो नहीं कर रहे यार, मार्केटिंग नहीं करने दे यार, वो नहीं करेंगे ना सर। आप मैंने मंगवाया है, ये पता कहां कहां से आया? ये अयोध्या से आया। ओ जय श्री राम। एक उठाओ ना, एक कोई सा भी एक उठाओ। है गए क्या ये? मुंह मीठा कर लिया। सो गाइस फिलहाल जो है ना ऑफिस से निकलने का टाइम हो चुका है, ये देखो हम दोनों लोग निकल रहे हैं यहाँ से। सो चलते हैं फटाफट, लिफ्ट थोड़ी देरी से आ रही है भाई, आज विलंब से लिफ्ट चल रही है, हम लोग सीढ़ियों से नहीं जा रहे हैं आज। असुविधा के लिए खेद है, असुविधा के लिए खेद नहीं है, पेट है। अब बोलेंगे हम लोग खुल जाओ सिमसिम, गाइस खुल गया, एक बार में खुल जाता है। लाइट कैमरा एक्शन, बाय बाय ड्रामा। द नेक्स्ट मॉर्निंग। सो गाइस कल जो है ना बहुत सारे चीजें हो गई, बहुत ज्यादा दिक्कत भी हो गया, लेकिन किसी तरह से मैनेज हो गया सब कुछ। सो फाइनली जो है ना गाड़ी भी थोड़ा सा ठीक हो गया है, इसको मैकेनिक के पास ले जाऊंगा। आज तो नहीं ले जा पाऊंगा क्योंकि आज सैटरडे है, कल ले जाऊंगा क्योंकि कल आ गया था, बहुत ज़्यादा थक गया था मैं, सो गया, हल्का सा काम किया था, हल्का फुल्का एडिट किया था, लेकिन बहुत ज़्यादा सर दर्द की वजह से मैं सो गया। आज सुबह उठ के एडिट चालू किया था, आज थोड़ा ब्लॉग लेट आएगा गाइस, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। फिलहाल जो है टाइम हो चुका है 10:39 हो चुके हैं, थोड़ा सा ब्लॉग लेट आएगा। सो फिलहाल इस ब्लॉग को एंड करता हूँ, आई होप कि पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। गाइस मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग,